अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आ रही हूँ अम्मी के घर से सुबह 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 क्यों आ रही हूँ, सात को ना आज कल रात को क्या हुआ फ्रेंड्स, मैं शादी में चली गई थी, वहाँ से आई डायरेक्ट अपने घर पे आ गई, अम्मी के घर पे नहीं गई, तो ना दूध नहीं लाई। जब सुबह उठी तो नाश्ते की चाय बनाने के लिए दूध ही नहीं था, मैंने कहा अल्लाह दूध तो है नहीं है, मैंने चल कोई नहीं, मैंने साफ डब्बा बांधा, पोहे बनाए, मैं ही चल बेटा तो अम्मी के घर छोड़ दूँगी, वहीं से तो कोई नाश्ता करा के स्कूल भेज दूँगी, क्योंकि मैं उठती फिर दूध लेने घर पे आती, फिर घर से लौट के आती, चाय बनाती, उसमें क्या हुआ 10-5 मिनट से लाते और इतना टाइम तो रहता नहीं है सुबह में, तो फिर मैंने अम्मी के घर पे चाय अम्मी गई थी, अम्मी चाय बनाई रही थी अपने लिए भी, चाय दी उसको, नाश्ता वास्ता कराया और मैंने भी चाय पी ली, अब अपने घर पर आ गई, साथ तो स्कूल चला गया, तो मैं ही चलो थोड़ी सी वॉक भी कर लेते हैं। वैसे मैं उठती नहीं हूँ इतनी, मतलब उठ के नीचे नहीं आती हूँ कभी भी, आज पहली बार वैसा हुआ है कि नीचे आई हूँ उठ के, वरना साथ स्कूल चले आता उसके बाद मैं सो ही जाती हूँ, लेकिन सोंगी नहीं आज, मुझे बहुत काम है, थोड़ी सी वॉक करती हूँ, हवा भी चल रही, गर्म भी हो रहा है अभी सुबह सुबह, वॉक करती हूँ, वॉक करने के बाद घर का काम करती हूँ, फिर नमस्ते आंटी। हाँ मेरे को ना टाइम हो गया, मैं तो यहाँ रहती हूँ ऊपर, इधर बिल्डिंग में। हाँ इसमें इसमें हाँ बोले साहब के ना। हाँ हाँ ऊपर। हाँ अच्छा। हाँ काफ़ी टाइम से रहती हूँ फ्रेंड्स। फाइनली मेरे सारे पूरे घर का काम मैंने कर लिया है, सब कुछ ऑल साइड ऑल गुड, सब साफ सफाई सब कुछ कर लिया है, क्योंकि मेरे आज बाहर का काम बहुत है, इसलिए फटाफट मैंने अभी घर का काम करने के बाद ब्रश व्रश भी मैंने सुबह नहीं किया था, मैंने अभी किया है, मुँह धोया, भर भर के मैंने सनस्क्रीन लगाई है, क्योंकि मुझे बाहर का काम बहुत है इसके लिए, तो फिर मैंने सोचा चलो पोहे रखें, पहले पोहे खा लेती हूँ, अभी 9:30 तो मार्केट खुली नहीं होगी, और मुझे ना राय मंडी जाना है, क्योंकि मुझे एक दुपट्टा लाना है, और जो दुपट्टे लाने वो राय मंडी में मिलेगा, और जाना भी ज़रूरी है, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट साथ के स्कूल के आने से पहले तो मैं राजमंडी होके आ जाती हूँ, और अम्मी को बोल दूँगी कि अम्मी साथ आएगा ना अगर, तो उसको अपने घर पे ही बिठा के रखें, ये मेरे डार्क स्पॉट बहुत हो गए फ्रेंड, धूप की वजह से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा इनका, ठीक है, तो ना साथ को ना अम्मी की साथ को बोल दूँगी, अम्मी को बोल दूँगी साथ को अपने घर रखें, पर ना मैं कोशिश करूँगी साथ के स्कूल के आने से पहले मैं जल्दी से आ जाऊँ, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ एक दुपट्टा ही लेना बस, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, तो बस फटाफट होके आती हूँ, पहले खा लेती हूँ पोहे, ये दाल से डालती हूँ पोहे के अंदर में, इसकी आवाज़ आ रही है, और कल से अब तक तो मैं इतनी सारी वीडियो डाल दी फ्रेंड, मैंने आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि तो इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं आपके लिए कर रही हूँ, रातों को 2-3 दिन बच जा रहे हैं मेरे को अपलोडिंग करने में, सेट करने में सब कुछ, तो बस मैं सोच रही हूँ आप लोगों के सामने वीडियो मेरी आती रहे, आप बस वीडियो देखते रहो मेरी, और मैं ऐसे बना बना के डालती रहूँ, तो बस वही फटाफट कल से अब तक इतनी सारी वीडियो डाउनलोड कर दी है मैंने, अपलोड कर दी है मैंने, नहीं चलो कोई नहीं, अपना काम है देखो तो फ्रेंड, अपन को तो करना ही है ना, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, जब हमारा काम है ब्लॉग बनाना, ब्लॉग बना के अपलोड करना, वो तो करना ही है ना, अरे अल्लाह, तो अभी मैं खाती हूँ करती हूँ दोनों चीज़, ठीक है पोहे खा रही हूँ, और फिर नकाब पहन के फटाफट मैं अम्मी के घर जाऊँगी, अम्मी को सारी बात समझाऊँगी, फिर बाजार चली जाऊँगी, बाहर निकली थी ना तो मेरा भाई मुझे मिल गया था शाहरुख, वो एक्टिवा पर कहीं जा रहा था, तो उसने मुझे यहाँ सदर छोड़ दिया, सदर के चौराहे पे, अभी यहाँ से मैं बस मिल गई थी मुझे, तो मैं यहाँ से राय मंडी आ रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है जैसे मैं उतरी ना, मतलब भाई ने मैं छोड़ा ना, मैं तुरंत अंधेरा हो गया, तुरंत ना बस ही खड़ी हुई थी, तो फटाक से बस में चढ़ गई मैं, चलो चलते हैं। क्या हुआ आज पहली बार पसीने पसीने हो गई, मैं चलते चलते कितना पसीना आ रहा है, पहले एक मिनट भैया मैं तो खड़ी हूँ छाया में, हाँ डालू मैं ज़्यादा कट्टा नहीं हूँ ज़्यादा, तो चलते चलते मैं ना बस वाले मैंने बोला राय मंडी, और मेरा दिमाग जाने कहाँ था, मैं क्या किधर था पता नहीं, मैं ना इतना दूर आगे निकल गई मतलब बस के अंदर ही, और मैं बोली मैं भैया राय मंडी में आया, भैया बोले कंडक्टर भैया बोले वो राय मंडी तो निकल गया, और पब्लिक भी बोली अरे राय मंडी पीछे रह गया, और मैं भैया जल्दी रुको ना बस रोकी, तो पैदल चलते चलते मैं तब यहाँ आई हूँ, वरना अब तक तो मैं शॉपिंग करके घर भी चली गई होती, अब तक तो मैं शॉपिंग करके घर भी चली गई होती, लेकिन 15 मिनट चल कर तब मैं पूछते राय मंडी पर आई हूँ, भैया राय मंडी की तरह राय मंडी में सब बोला आ गए, मैंने किया अल्लाह ऐसा पहली बार हुआ है फ्रेंड, अभी इसलिए भी हुआ क्योंकि आज मैं बहुत जल्दी हुआ,
दिमाग ही मेरा कहीं और था, तूफान भी थी, पता नहीं अब कैसे ऐसा कैसे हो गया। वो तो अच्छा हो, मैं चलो 15 मिनट आगे पहुँची तो मैंने पूछ लिया एक मिनट। वो तो ऐसा हुआ, मैंने पूछ लिया, मैं राय मंडी नहीं आया भैया, राय मंडी चला गया, वरना पता नहीं कहाँ मैं आगे निकल जाती, फिर वापस आने में इतना टाइम लग जाता। ये अल्लाह, चलो फटाफट में जो लेना आई वो ले लेती हूँ। ये मौसम्बी का जूस लिया है मैंने, गर्म, थक गई ना चलते चलते, पसीने पसीने हो गई है, इतना चली हूँ मैं 15 मिनट तक। चलो कोई नहीं, अभी मैं जाती हूँ तो पटा देती हूँ। अल्लाह, मैं सदर से, मैं सदर कह रही अल्लाह तौबा, मैं राजा मंडी से डायरेक्ट ना चुंगी पे आ गई हूँ, क्योंकि मुझे ना एक दुपट्टे की लैस चाहिए, क्योंकि दुपट्टा मैंने लिया है ना तो वो मुझे तक कुछ खास लग नहीं रहा है, और मजबूरी में मुझे लेना पड़ा फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था, वो कलर मुझे मिल नहीं रहा था और किसी भी दुकान पर नहीं था, और इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं दुपट्टा लेती हुई डाई करवाऊँ या किसी और मार्केट जाती हूँ, तो फिर मैंने एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा मैं चलो ठीक है दुपट्टा ले लेते और गोटा लगा लेते, आज का दिन निकल जाए, बाद की बात में देखेंगे। तो बस वही लैस लेना आई हूँ मैं, डायरेक्ट यहीं आ गई थी, लैस लेके फिर मैं घर जाऊँगी। बहुत टाइम हो गया फ्रेंड, बहुत टाइम हो गया, ओवर हो गया टाइम। लैस मुझे मिल गई है, अल्लाह पसीना का हाल, लैस मुझे मिल गई है, और तो मैं सोच रही हूँ यहीं पे ना अंकल की दुकान है जो लैस लगाती है, तो मैं इनकी कहाँ ले जाऊँ दूसरी जगह लगवाने के लिए, सोचा फटाफट यहीं लगवा लेती हूँ, जो काम हो रहा है उसको कर देती हूँ। तो अंकल है वो अभी बोल रहे हैं अभी लगा कर दे देंगे, तो ये काम भी मैं यहीं कर देती हूँ। दुपट्टे का काम हो गया है ना, अब मैं जूस पी के घर पे जाती हूँ। फ्रेंड्स मैंने खाना खा लिया है और इतना थक गई हूँ, मेरी आँखें देखो कितनी बंद हो रही हैं, ये जो मैंने क्या लेके आई हूँ मैं, ये मैं आपको शाम को बताऊँगी, जो कि अभी मेरी बताने की हालत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बस बस, जबकि मुझे नहाना भी है, लेकिन इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही मैं जाकर नहाऊँ, थोड़ा फ्रेश होऊँ, तो मैं कि अभी थोड़ा, अभी 2 बज रहे हैं तो 5 बजे तक सो जाती हूँ, 4-5 बजे तक उठूँगी, नहा के चाय वाय पीएंगे थोड़ा अच्छा लगेगा, फिर बात करती हूँ आपसे, क्योंकि अभी तो मेरी आँखें और ज़ुबान मेरा कुछ साथ नहीं, दिमाग भी है तो खुंद सा हो रहा है, क्योंकि रात में मैं नहीं सोई थी, सुबह भी जल्दी उठ गई थी उसकी वजह से, और फिर मार्केट की थकान भी हो जाती है, चाहे कितना भी आप टाइम से सो, उठो, लेकिन जब मार्केट जाओ ना तो मार्केट में लौटने के बाद थकान हो जाती है, और मुझे तो डबल तिबल थकान हो गई है। फ्रेंड्स अब मैं आपसे शाम को बातें करती हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे आ रही है बहुत तेज़ नींद। हाँ फ्रेंड्स, अब शादी में जाने के लिए एकदम मैं रेडी हो गई हूँ, ये मेरा न्यू ड्रेस है, आज ही मैंने सिलवाया था, ये देखो, ये दुपट्टा लेने के लिए मैं राया मंडी भागी थी, लेकिन मनचाहा नहीं मिला, चलो काम चलाऊ मिल गया, काम हो गया बस वो बहुत है। ये देखो ये मेरी ड्रेस है, मैं कैसे दिखाऊँगा आपको, ऐसा दिखाने की कोशिश करती हूँ, ये फ्रॉक है, ये मैंने कली वाली फ्रॉक सिलवाई है, ठीक है अभी लेट हो रहा है, मैं फटाफट अम्मी के घर जाती हूँ, अगर वहाँ पर टाइम होगा तो वहाँ आपसे बात करती हूँ। चेहरे लाल लाल आ रहा है, और कैसे हो, सलाम अलैकुम, और बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है, आज तो ऐसा हुआ है कि हम लोग जैसी एंट्री कर रहे हैं ना, खाना ना स्टार्ट था, खाना चालू है, लोगों ने बंद नहीं कराया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोगों ने बस प्लेट उठाई और खाना खाने के लिए मैं बिरयानी लाई हूँ। हमारी तरफ मत घुमाना। नहीं, तुम्हारी तरफ नहीं घुमा रही, तुम्हारी तरफ नहीं घुमा रही हूँ, बिल्कुल नहीं घुमाऊंगी मैं, हर किसी को अपने कैमरे में नहीं लेती हूँ मैं, नहीं बिल्कुल नहीं लूंगी मैं। चलो पहले मैं खाना खाती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ। खा लिया है और थोड़ा सा राउंड लगा के देख रहे हैं और कहाँ क्या मिल रहा है। मैंने लिए दही बड़े, दही बड़े बहुत टेस्टी हैं, दही बड़े खा लो। भाभी अपने लड़के के लिए लिया तुमने नमाज के लिए? अच्छा, भाभी नमाज के लिए चाउमीन ले रही है क्योंकि उसको चाउमीन बहुत पसंद है, और अम्मी के भाभी है पता नहीं, अम्मी भी दही बड़े खा रही है, लगी पड़ी कोने में, तो दिखाती हूँ आपको। अब अलग क्यों खड़ी हुई है, तो लाइट वाइटिंग में छोड़ के बल्ल लिया है, दही बड़े लिए हैं, अलो इधर पीछे नहीं। अच्छा तो अंधेरे में आ गई है, साग खा रहा है, आइसक्रीम अम्मी खा रही है, अम्मी साहिबा खा रही है,
गोलगप्पे और गोल वाली पूरी है। अरे बाबा गोल वाली पूरी मैं तो इसके बाद पानी पूरी खाती हूँ क्योंकि मेरे को गोल वाली पानी पूरी बहुत पसंद है। लंबी नहीं पसंद मुझे, खाई मुझे लंबी ना, मेरे तो मेरे को पसंद नहीं है, मैं खाती नहीं लंबी पूरा पानी पूरी। चलो बहुत सारे रिश्तेदार आऊँगे, सबसे मिलती हूँ एक एक करके, काफ़ी टाइम के बाद मिलना होगा इन सबसे। तो दिखाइए ये 360 वीडियो स्पिनी। अच्छा हाँ, इस पर खड़े होते ना, इस पर खड़े होते वो चारों तरफ से वो हाँ वीडियो सेल्फी लेते हैं या वैसा। हम लोगों ने टीवी में देखा तो हमको दिखा था, बड़ा एक्साइटमेंट हुआ हमने, चलो हम भी लोग भी मतलब फोटो खिंचवाते हैं इसमें। लेकिन अभी ये स्टार्ट नहीं है, बोले 10-15 मिनट के बाद स्टार्ट होगा। ये साथ देखो ऐसा, हाँ ये चार तो कैमरा घूमता है, हाँ ऐसा लगता है बच्चा। तो देखते हैं, चलो जब स्टार्ट होगा देख लेंगे। मेरी सबसे बड़ी खाला है अम्मी की सगी बहन, तो सबसे बड़ी ये खाला मेरी यही है। मैं क्या आज मौका मिल गया शादी में, मैं क्या आज आपसे मिला देती हूँ मैं। और ये इनका नमासा है, क्या नाम बताओ? अवान। अवान अवान अवान, ये इनका नमासा है। ये हमारी पप्पो है, सलाम ये हमारी पप्पो है। शादी में यही होता है, एक दूसरे से तरह सब मिल लो, वैसे इतना नहीं मिलना होता है, शादी में सब मिलना जुलना हो जाता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि पक्की सराय से रिश्तेदारी है, सब एक दूसरे को जानते हैं। हाँ घर चले, मामू को बड़ा मामू छोड़ जाए। फ्रेंड्स घर पे आ गई और सुकून लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। सब कुछ बहुत अच्छा था, खाना और सब कुछ, मतलब सब कुछ अच्छे से जल्दी जल्दी खाना पीना खा लिया था, अच्छा लग रहा था। सब लोगों से मिली काफ़ी टाइम के बाद, बहुत कुछ लोगों से तो मैं 10-10 साल के बाद मिली हूँ, तो अच्छा लगा है। डेफिनेटली सब लोग अपने लोगों से मिलकर तो अच्छा ही लगता है। तो बस अभी थोड़ा मेकअप वेकअप उतार लूँगी, चेंज वेंज करूँगी आज के मेरा लुक था। और ये सब थोड़ा सा सामान वामान ये बिखरा पड़ा हुआ है मेरा, शीशा ये कपड़े, तो बस इनको जगहों पे रख देती हूँ। और हाँ आज साथ नहीं आया, साथ अम्मी के घर पे सो गया, वो आ ही नहीं रहा था, बोला नहीं मम्मा मैं कल संडे, तो उसकी वजह से वो अम्मी के घर पे रुक गया है। तो पहले मैं चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद घर एक सा करके फिर आपसे बात करती हूँ। इतनी थक गई ना फ्रेंड्स के, बस चेंज तो मैंने कर लिया है, अल्लाह चेंज मैंने कर लिया है और मुँह धोने का हिम्मत ही नहीं हो रही है। मेकअप उतारना है, मेकअप उतार के तो मैं नहीं सो सकती हूँ ना, तो बस इतनी थक गई हूँ। शादी में जाने की वजह से नहीं थकी हूँ मैं, मार्केट वार्केट घूमी थी, नींद पूरी नहीं हुई थी कल से मेरी। लेकिन है ना सच बताऊँ ना फ्रेंड्स, एक मैं खुद से मेकअप अच्छा कर लेती हूँ ऐसा मुझे लग रहा है, वैसे मेरी ये मेरी सोच है। आप बताना, मैं खुद से 2-4 चीज़ों से मेकअप ठीक कर लेती हूँ ना शादी में, आदि में जाने लग। हाँ वो कंटोरिंग करना, चेहरे को पतला दिखाना, नाक को खड़ा करना, वो तो मैं नहीं करती हूँ। क्योंकि थोड़ी देर के लिए अगर चेहरे को पतला दिखा दो या नाक को खड़ा कर दो, उसके बाद का क्या, उसके बाद का भी तो फिर सब जब मूड होने के बाद पता चलेगा कि चेहरा तो पतला ही नहीं है, नाक तो खड़ी ही नहीं है। तो इसलिए भैया मेरे को लगता है कि जो चीज़ जैसी बनी है अल्लाह ने बनाई है ना, उसको वैसा ही दिखाओ, वही अच्छा है। ठीक है ना, मेकअप वेकअप समझ में आता, चलो आँखों वाँखों कर लेते, लिपस्टिक कर लेते, लेकिन हाँ मैं वो सब चीज़ों को मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ कि हाय राय कि ये ऐसा कंटूर कर दो, डबल चिक कर दो, नाक को खड़ा कर दो, वो सब तो मैं नहीं करती हूँ। हाँ लेकिन शादी में जाने वाले मेकअप मैं कर लेती हूँ। आपको कैसा लगता है प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना, प्लीज़ करना। ठीक है ना जी, मैं 2-3 लिपस्टिक वगैरह से 2-4 चीज़ों से मैं मेकअप करती हूँ। देखो काला भी शाइनिंग कर रहा है ना, तो मैं कैसा करती हूँ आप मुझे बताना। देखो मुझे तो शायद अच्छा ही लग रहेगा, मेरी मेहनत है, आपको बताना आपको कैसा लग रहा है। ठीक है ना, और मैं बहुत अच्छी फ्रेंड, बहुत थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, साथ भी नहीं आया है और नींद भी बहुत आ रही है, बहुत तेज़ नींद आ रही है मुझे। और क्या, हाँ और कुछ नहीं फ्रेंड्स, बस इंशाल्लाह कल ना, कल मैं आपको किसी से मिलाने वाली हूँ, कल मैं आपको अपने बॉयफ्रेंड से मिलाने वाली हूँ। सच्ची में फ्रेंड्स, कल मैं आपको अपने बॉयफ्रेंड से मिलाऊँगी, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहना। और उसके लिए आपको मेरा ब्लॉग भी देखना पड़ेगा दूसरा, ये ब्लॉग की एंडिंग तो मैं यहीं ले रही हूँ, इसके लिए मैं ब्लश कर रही हूँ, इसके लिए मैं खुश हो रही हूँ। बस अल्हम्दुलिल्लाह जो सोचा है वो हो जाए, बस अल्लाह का, बस सब अल्लाह के ऊपर है। अभी मैं कल आपको अपने बॉयफ्रेंड से, और जो मुझसे प्यार करता है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, और मैं आपको कल उससे मिलाने वाली हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तो आपको मेरा दूसरा ब्लॉग देखना पड़ेगा, जो नया ब्लॉग आएगा वो देखना पड़ेगा। ये ब्लॉग में तो वो मेरा बॉयफ्रेंड तो मेरे पास नहीं है ना, तो मैं कल मिलाऊंगी कल। जब तक के लिए आप प्लीज़ मेरा ग्यारह ब्लॉग देखना, आने वाला ब्लॉग भी देखना, मुझे दुआ में याद रखना, ख्याल रखना। और अच्छा एक चीज़ हमेशा मैं अपने ब्लॉग में कुछ ना कुछ तो बोल के जाती हूँ, आज ना बैठ के ब्लॉगिंग करने की हिम्मत नहीं है, आज तो मैं लेट के ब्लॉगिंग करती हूँ। ठीक है, डोंट माइंड प्लीज़। अच्छा आजकल ना लोग ना अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल ना
कुछ भी सोच के नहीं करते हैं फ्रेंड्स। अल्लाह ने ज़ुबान दी है, इसमें हड्डी नहीं दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ना कुछ भी बोल दो, किसी का भी दिल दुखा दो फ्रेंड्स, हाँ किसी को भी कुछ भी बोल दो, ये हक तो नहीं है ना आपको। आपकी ज़ुबान है, ठीक है, आपको राइट बनता है बोलने का, लेकिन राइट बात बोलने का दिल का आपको हक है। आप किसी का भी दिल मत दिखाया करो, ज़ुबान दी है ऊपर वाले ने, इसका मतलब ये नहीं किसी को कुछ भी बोल दो, किसी को सरेआम बेइज्जती कर दो। घूंघट में रहते हैं लेकिन ज़ुबान देखो माशाल्लाह इतनी लंबी है उनकी कि 10 लोगों के घर तक आवाज़ जाए उन लोगों की। तो प्लीज़ मैं इंसान ना एक चीज़ अपनी खूबसूरती से इंसान की पहचान नहीं होती है, इंसान की अच्छे अखलाक से अच्छी ज़ुबान से उसकी पहचान होती है। कभी भी अपने ज़ुबान से ऐसे अल्फाज ना निकाले कि सामने वाले का दिल छल्ली हो जाए, ठीक है, क्योंकि फिर कुछ भी कर लो आप, कितनी भी माफ़ी मांग लो, शायद सामने वाला माफ़ कर भी दे, लेकिन देखो रिश्तों में फिर वाली बात नहीं आती है जो आनी चाहिए। तो रिश्ता संभालना, रिश्ता बनाना एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं होती है फ्रेंड्स। गाड़ी कोई भी गाड़ी ले लो, दुनिया की एक पहिए पे नहीं चलती, या तो चार पहिए पे चलती है, नहीं तो दो पहियों पे तो चलती है, ठीक है। एक पहिया कितना घसीटेगा, दूसरे पहिए को भी सपोर्ट करना पड़ता है। अगर आप सोचो कि नहीं नहीं मैं कुछ नहीं करूँगी, इसलिए ज़ुबान को आप बहुत सोच समझ के बोला। मैं कितने सारी चीज़ लोगों को देखती हूँ, अपने आसपास देखती हूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकती फ्रेंड, क्योंकि मैं उनके लेवल तक नहीं जा सकती, मेरा लेवल इतना नीचा नहीं है कि मैं उनकी ज़बान में उनको जवाब दूँ, मैं उनकी ज़बान में उनसे बात करूँ, मुझे अच्छा नहीं है, मेरा ज़मीर ये सब मुझे ना इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं एकदम से लो क्लास एकदम से नीचे गिर के मैं उनसे बात करूं। तो प्लीज़ मैं यही बोलती हूँ, अगर जो भी मेरा ब्लॉग देख रहा है समझने वाला समझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझेगा तो उसके लिए बुरी बात है, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं। मैं तो अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, देखो मैं ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से बहुत दूर रखती हूँ, अपनी लाइफ से दूर रखती हूँ। मैं ऐसे लोगों के टच में भी रहना नहीं चाहती हूँ फ्रेंड, जिनकी ज़ुबान अच्छी नहीं होती है ना, कसम खुदा की फ्रेंड्स, मैं ऐसे लोगों के टच में भी रहना पसंद नहीं करती हूँ। जिनकी ज़बान अच्छी हो, जिनका दिल अच्छा हो ना, मैं उनके लोगों के साथ बैठना उठना मुझे पसंद है। बाकी भैया उनकी खूबसूरती उनका पैसा उनको मुबारक, मेरी गरीबी मेरे अखलाक मेरी लाइफ मुझे मुबारक बस। लेकिन बस अपनी ज़ुबान को थोड़ा सा अल्लाह ने दी है, इसको अच्छे से इस्तेमाल करो, सामने वाले के दिल में जगह बनाने की कोशिश करो ज़ुबान से, ठीक है। चलो आज का ये मेरे संग जो होता है तो मैं आपके संग शेयर कर देती हूँ, ठीक है ना। चलो फिर कल तैयार है ना मेरे बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए, मैं बहुत अजीब लग रहा है, आज तक मैंने ऐसा कुछ ब्लॉग में बोली नहीं हूँ, पर आज बोल रही हूँ। कल मिलाती हूँ आपको इंशाल्लाह, तब तक के लिए सो जाती हूँ, मैं भी आराम करती हूँ, कल बहुत काम है, और दुआ में याद रखना, देखिए नींद आ रही है फ्रेंड। चलो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, अपने माँ बापों को ख्याल रखना, ठीक है, उनकी दुआएँ लेना, अल्लाह हाफिज़।